Welcome to Coding Gyan. Today we will create an app design using Figma. So let's start. सबसे पहले मैं फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी और फोन के अंदर मैंने आईफोन 8 प्लस को सिलेक्ट कर लिया. एंड सिमिलरली हम एक और फ्रेम क्रिएट कर लेंगे. इसके कॉर्नर रेडियस को सेट कर लेते हैं, ई वैल्यू दी. सिमिलरली सेकंड फ्रेम के अंदर जो हमारी फर्स्ट फ्रेम है उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं. आई गेस इट्स परफेक्ट. और जैसे कि हमें डिज़ाइन के अंदर दिख रही है ये इमेज, इसको अब यहाँ पर हम प्लेस करेंगे. तो मैंने शॉर्टकट की यूज़ करी कंट्रोल शिफ्ट के, और जो मेरी इमेज है वो ऑरेंज नाम से है. नाउ आई शुड एडजस्ट द साइज ऑफ द इमेज. अब यहाँ लेयर के अंदर जाकर पास थ्रू के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे. और जैसा कि डिज़ाइन के अंदर आपको ये वेक्टर दिख रहा है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ. तो उसके लिए पेन टूल का यूज़ किया. और इसको थोड़ा सा कर्व देना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा सा कर्व. तो देखते हैं कि जैसा कि हमारे डिजाइन के अंदर है ये उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा. ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ा अंदर की तरफ कर्व है तो इसको सेट करना पड़ेगा. नोट की हेल्प से इट्स परफेक्ट. तो इस रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल कर लेते हैं. थोड़ी सी यहाँ पर ओपेसिटी को चेंज करा. तो ये थोड़ा सा और लाइट करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली वेक्टर के अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं. और स्ट्रोक की वैल्यू को जीरो कर देते हैं. इसकी थोड़ी सी विड्थ को भी बढ़ा दिया. अब फिर से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट करी और इसके कॉर्नर रेडियस को वैल्यू दे दी 30. इसका कंपोनेंट क्रिएट कर लिया. यहाँ एसेट्स के अंदर जाकर इसे ड्रैग कर दिया. सिमिलरली एक और अब इनके अंदर कलर फिल कर दिया. नाउ इट्स परफेक्ट. अब जैसे कि आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है उसको भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे. तो टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर साइज को 12 की जगह 30 कर दिया. और रेगुलर के बजाय बोल्ड करा और कलर को भी फिल कर लेंगे. यहाँ हम हेक्सा कोड भी दे सकते हैं जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाए. तो
तो इसका हेक्सा कोड है A674 7A46। और इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड करा और एक एरो क्रिएट कर लिया। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सेट करनी पड़ेगी। और इसको रोटेट भी करवा दिया। स्ट्रोक की वैल्यू को कर दिया 2 और कलर को भी चेंज कर दिया। थोड़ा सा डेटा है ये। और जो ये बास्केट दिख रही है उसे भी यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल छोटा सा क्रिएट कर लेंगे। इसके कॉर्नर रेडियस की वैल्यू को 50 कर दिया। इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी, विड्थ भी, और कंट्रोल शिफ्ट के शॉर्टकट की का यूज़ किया। और बास्केट्स नाम से इमेज है, प्लेस कर दिया। और इसकी हाइट को थोड़ा सा विड्थ को सेट कर दिया। इसमें कलर फिल भी कर लेंगे। और अब इस बास्केट को प्लेस कर देते हैं। यहाँ लेयर के अंदर जाकर पास थ्रू के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये थाई ऑरेंज को भी टाइप कर लेते हैं। 30 के बजाय 40 कर दिया साइज। और कलर यहाँ पर हेक्सा कोड ही दे देंगे। तो इसका हेक्सा कोड है 033403। और इसको लाइट कर देंगे थोड़ा सा, ओपेसिटी को सेट कर लेंगे। बाकी का भी जो टेक्स्ट है उसको भी टाइप कर लेंगे। साइज को कर दिया 20, या 20 के बजाय 24 बेटर रहेगा। और बोल्ड के बजाय रेगुलर कर दिया। फ्रेश, रेडी टू इसके कलर को भी सेट कर देते हैं। इट्स बेटर नाउ। तो इन तीन रेक्टेंगल्स की थोड़ी सी अलाइनमेंट को सेट कर दिया और टेक्स्ट टूल का फिर से यूज़ करा और साइज 40 रहने दिया, बट कलर को चेंज कर दिया थोड़ा सा लाइट ग्रीन। एंड नाउ $2। और अब 40 के बजाय 20 कर दिया। कलर को भी चेंज करा
किलो। तो अब यहाँ पर जो ये दो एलिप्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेते हैं, बट ये कैपिटलाइज करना होगा क्योंकि ये स्मॉल में है। और अब एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लिया। तो क्योंकि मैंने ये तीनों कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं इसलिए यहाँ पर तीनों जगह पे मेरा एलिप्स क्रिएट हो गया। बट अब हमें कहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पर तो दो एलिप्स नहीं चाहिए ना, इसलिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और इसकी थोड़ी सी विड्थ को भी बढ़ा दिया और हाइट को भी, जैसा कि डिज़ाइन के अंदर दिख रहा है नीचे भी एक एलिप्स है, तो एक और एलिप्स क्रिएट कर लेंगे। और जो बाकी रेक्टेंगल्स हैं उसमें से डिलीट कर दिया, थोड़ी सी हाइट को बढ़ा दिया। अब पेन टूल को सिलेक्ट करा और एक प्लस का सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्योंकि इसका कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था, उस वजह से जो भी हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे वो बाकी के हमें दो रेक्टेंगल्स के अंदर शो होगा। तो यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और एक माइनस का सिंबल भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है 7 किलो, वो भी टाइप कर लेंगे। और साइज को रख दिया 18। तो 18 के बजाय थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे कि 14 ठीक रहेगा। और इसे ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर दिया। और बाकी के रेक्टेंगल से डिलीट कर दिया। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है 18 मिनट्स, और एक ये एलिप्स है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ड्रैग करा एलिप्स सेलेक्ट बन क्रिएट कर लिया। एक और एलिप्स क्रिएट करने की जरूरत है जो कि थोड़ा सा छोटा होगा, और इसके अंदर कलर फिल कर दिया ब्लैक। अब इस एलिप्स को यहाँ पर ड्रैग कर लिया और इस छोटे वाले एलिप्स को इसके अंदर प्लेस कर दिया। और टेक्स्ट को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अब जैसे कि आपको इसके अंदर एक टेक्स्ट बाय दिख रहा है और एक एलिप्स दिख रहा है, और ये $9 उसको भी टाइप कर लेंगे। तो यहाँ 14 के बजाय 18 कर दिया साइज, और बोल्ड तो रहने ही देंगे। $9, थोड़ा सा साइज को और बढ़ा दिया, 20 कर दिया, या 24 भी बेटर रहेगा। और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, फिर से एलिप्स क्रिएट करा। और इसके अंदर कलर फिल कर दिया, इसकी थोड़ी सी हाइट को भी बढ़ा दिया। और टेक्स्ट टूल का सिलेक्ट करा, यहाँ टाइप कर दिया बाय। साइज
को थोड़ा सा कम कर दिया 14, और कलर को भी चेंज कर दिया टू वाइट, ड्रैग कर दिया, नाउ इट्स बेटर। अब जैसे कि हमें यहाँ पर ये 3 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं और इनके कॉर्नर रेडियस को भी हमें सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट करा, इसके कॉर्नर रेडियस की वैल्यू को सेट कर दिया 50, थोड़ा सा इसे यहाँ पर एक्सटेंड करके प्लेस कर दिया और हाइट भी बढ़ा दी। सिमिलरली एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, और इसके रेडियस को सेट कर दिया 250, कलर को चेंज कर दिया टू वाइट, और अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक इमेज को प्लेस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी हाइट को भी कम कर दिया सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल की। कंट्रोल शॉर्ट शिफ्ट के का यूज़ करा और मेरी जो इमेज है वो है डिलीवरी बॉय नाम से, यहाँ पर प्लेस कर दिया और थोड़ा सा इसे एक्सटेंड भी कर दिया, नाउ इट्स बेटर। अब यहाँ बैकग्राउंड में कलर फिल कर देते हैं जैसा कि इसके अंदर है, सो नाउ इट्स बेटर। अब जो ये रेक्टेंगल है या जो हमारी फ्रेम है उसके अंदर कलर फिल कर लेंगे, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दी, अब बेटर है। टेक्स्ट टूल का सिलेक्ट करा और साइज़ को चेंज कर दिया 236, कलर को चेंज कर दिया टू वाइट, टाइप कर दिया डिलीवरी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप भी है और एक ये सिंबल भी है, उसको भी क्रिएट कर लेंगे। तो फिर से रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे और कॉर्नर रेडियस की वैल्यू को सेट कर दिया 230, थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा दी और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। टेक्स्ट टूल का फिर से यूज़ करा और साइज को चेंज कर दिया, और कलर को भी चेंज कर दिया टू वाइट। और अलाइनमेंट को थोड़ा सा सेट कर दिया, एक सिंबल क्रिएट करेंगे और कॉर्नर रेडियस की वैल्यू को सेट करके वैसे ही कलर को फिल कर लिया। और हाइट को भी बढ़ा दिया, पेन टूल का यूज करा और कलर को चेंज कर दिया स्ट्रोक के वाइट। तो ये वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन के अंदर है, तो ऐसा करते हैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देंगे और फिर से पेन टूल का यूज़ करेंगे। तो कलर को सिलेक्ट कर लिया वाइट और अब ये थोड़ा रिजेम्बलेंस दे रहा है, और स्ट्रोक की वैल्यू को सेट कर दिया 2। अब जैसे कि डिज़ाइन के अंदर हमारा ये टेक्स्ट है जॉन ली और बाय बाइसिकल, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर दिया जॉन ली।
कलर को भी चेंज कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया। नाउ इट्स बेटर। और अब साइज को कर दिया 14 और कलर को भी चेंज कर दिया, हल्का सा ग्रे कर दिया। बाय बाइसिकल। ये डिज़ाइन जैसा ही लग रहा है, ये देख सकते हैं हम। बस बाइसिकल कैपिटल में आएगा सारा। जो ये हमें इमेज दिख रही है उसे भी प्लेस कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट के कॉन्टैक्ट। इसको पहले थोड़ा सा नीचे प्लेस करा और अब ड्रैग कर दिया ऊपर। ये क्या हुआ, आई गेस वो फ्रेम के साथ ही होगी थी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ये इमेज दिख रही है उसको प्लेस करने के लिए प्लगइन का यूज़ करेंगे। तो प्लगइन का यूज़ करने से पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगी और उसके अंदर इमेज को प्लेस करूँगी। तो यहाँ पर प्लगइन्स का ऑप्शन है और कंटेंट रील का यूज़ करा और यहाँ कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर गए और अब इमेजेस के अंदर जाकर जो ये अवतार्स हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी हैं, बाय माइक्रोसॉफ्ट आप देख ही सकते हैं। तो अगर हमें ईमेल के लिए चाहिए तो देखते हैं कि हमें इमेज मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर वो इमेज नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ेगा। तो ये रही मेल के अंदर। इसको सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पर प्लेस हो गई। थोड़ी सी इसकी विड्थ को भी सेट कर लिया क्योंकि ऐसी ही दिखनी चाहिए ना जैसे हमारे डिज़ाइन के अंदर है। और यहाँ पर रेडियस को भी सेट कर देते हैं, जैसे कि 30 कर दिया या 50 भी बेटर रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, बस हमें थोड़ा सा देखना है कि हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन जैसा देखिए। यहाँ पर तो ये बड़ा है ना थोड़ा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। सिमिलरली बास्केट को बस अब कलर्स मैच कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। बस ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर जो है ये मैच नहीं कर रहा। तो हेक्सा कोड यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इसका हेक्सा कोड है 069F06। ये तो डार्क ग्रीन हो गया ना, तो उसके लिए ओपेसिटी को भी चेंज करके देख सकते हैं। बेटर है। एंड सिमिलरली 069F06। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से ये ऐप डिज़ाइन क्रिएट करना सीख पाए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।